कंटेनर बना लो पानी का सपोज करो कि ये पानी का एक कंटेनर है ऐसा एक पानी का कंटेनर है ठीक है ना अब एक बॉल कुछ हाइट से गिरेगा मान लो कि 19.6 पॉइंट सिक्स मीटर हाइट से तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पहुंचने के बाद पहले तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुका होगा यहाँ पहुंचते पहुंचते तो मान लो कि ये जब ड्रॉप किए कितना हाइट से 19.6 मीटर के हाइट से तो ये यहाँ पहुंचते पहुंचते जो इसका वेलोसिटी है वो हो जाएगा रूट टू जी एच ये फ्री फॉल मोशन में हम लोग पढ़े थे तो देखो रूट टू जी एच अगर तुमको निकालना है तो तुम g का वैल्यू 9.8 लेना क्यों क्योंकि वो 19.6 है ना तो नाइन टू इंटू नाइन करोगे ना तो 19.6 आएगा तो 2 इंटू नाइन पॉइंट और h भी 19.6 दोनों का रूट करेंगे तो कितना आएगा नाइनटीन सिक्स मीटर पर सेकेंड तो ये आ गया वेलोसिटी जब ये वेलोसिटी यहाँ पर है तो ये रुक तो नहीं पाएगा अचानक से तो ये तब तक जाएगा जब तक ये पूरी तरह से आ, रुक नहीं जाता है तो मान लो कि ये और इतना चला गया और इसके बाद जो है इसका वेलोसिटी मान लो कि वहां जाने के बाद जीरो हो गया ठीक है तो हमको आ, अगर ये एच डैश जब तक नहीं पता चलेगा तो हम पता कैसे करेंगे कितना देर में नीचे आ जाइए ठीक है, है या फिर यहाँ रिटार्डेशन कितना हुआ होगा तो ये सब पता करना पड़ेगा तो देखो जब ये इसके अंदर जा रहा होगा तो इस बॉल पे दो फोर्स लगेगा इस बॉल पे दो फोर्स लगेगा एक इसका वेट और एक अपथ्रस्ट तो क्वेश्चन में तो बोला था कि डेंसिटी जो बॉल का है वो हाफ ऑफ वाटर है तो वाटर का डेंसिटी अगर रो ले ले रहे तो इस बॉल का डेंसिटी रो बाई टू होगा तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल इंटू जी तो ये आ गया मास ऑफ द बॉल क्या होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इंटू जी तो नेट फोर्स कौन ज्यादा है रो वी जी या रोवी जी बाई टू तो ज्यादा फोर्स एफ बी है देअर फोर नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस डब्लू तो ऊपर की तरफ इस बॉल पे हमेशा एक नेट फोर्स लगेगा जब ये पानी के अंदर जा रहा होगा इसीलिए ये रुक जाएगा तो नेट फोर्स क्या होता है मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू रो वी जी माइनस रो वी जी बाई टू तो यहाँ इक्वल टू आ गया रो वी जी बाई टू एक्चुअल में रो बाई टू इंटू वी क्या था मास था ना तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम ए इक्वल टू देखो रो वी बाई टू क्या था मास ऑफ दी बॉल इंटू जी वेट तो ये रो वी जी बाई टू मास से कट जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा जी तो इसको एक अपवर्ड एक्सेलरेशन मिलेगा जी ठीक है तो जैसे देखो ये बॉल है यहां से यहां पहुंचा 19.6 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी है अब ये वेट नीचे लग रहा था यहाँ पे ग्रेविटी नीचे लग रहा था जैसे ही ये पानी के अंदर जाने लगा ग्रेविटी ऊपर लगने लगा तो ये तब तक जाएगा जब तक इसका वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाता मतलब जो कंडीशन इसने यहां से यहां तक रिपीट किया था अब फिर से वही कंडीशन यहाँ से यहाँ तक रिपीट होगा मतलब जो एच डैस होगा ना यहाँ पे वो एच डैस का वैल्यू जो एच डैस होगा ना यहाँ पे उस एच डैस का वैल्यू आ जाएगा नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर तुम चाहो तो निकाल के देख लो किससे वी डैस स्क्वायर इज इक्वल टू व्ही स्क्वायर प्लस टू ए एस तो यहाँ से वीडाश जीरो स्क्वायर का माइनस लेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ जी इंटू एच यहाँ से देखो एच का वैल्यू आ, तो तो आ जाएगा ही तुम सॉल्व करो एच डैस आ जाएगा यहाँ से एच डैस का वैल्यू नाइनटीन पॉइंट सिक्स आएगा तो क्यों करना है इतना वो तो अंडरस्टूड है ना ठीक है तो बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम अगेन टू दॉटर सर्फेस तो यहाँ से जैसे ये नीचे गया तो टाइम निकाल लो वी इक्वल टू यू प्लस एटी होता है ना उससे निकाल लो इसको हम मिटा रहे ये तो अंडरस्टूड था निकालने की जरूरत भी नहीं है तो हमको पता गया एच डैस जो है वो नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर है ठीक है अब हम टाइम निकाल लेते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने का तो वी डैस इक्वल टू वी प्लस वी कितना हो गया जीरो वी कितना था नाइनटीन पॉइंट सिक्स माइनस जी इंटू टी तो टी कितना आ गया नाइन पॉइंटेड बाई नाइन पॉइंट दो लग रहा था वो इसको रोक दिया यहाँ पे बट ग्रेविटी ऊपर की तरफ लगना बंद तो नहीं हो गया अब तुम बोलो सर ग्रेविटी नीचे लगता ऊपर क्यों लगने लगा अरे वो अब की वजह से जो ऊपर का फोर्स था ना ये ज्यादा हो गया वेट से तो नेट फोर्स ऊपर मिला और नेट एक्सिलेशन भी ऊपर मिला तो इस वजह से ये बॉल धीरे धीरे यहाँ से जाते जाते यहाँ रुक गया जब ये यहाँ रुक गया तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है ठीक है तो इसका जो एक्सेलेशन है ऊपर की तरफ ए उसकी वजह से ये अब ऊपर एक्सेलरेट करेगा जी से और वापस यहाँ जाएगा तो जितना देर में नीचे आया था उतना ही देर में वापस यहाँ पहुंचेगा तो टोटल टाइम हो जाएगा वापस से सरफेस पे आने पे टूटी तो आंसर हो जाएगा फोर सेकेंड्स सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फोर सेकेंड्स ओके तुमको ये भी दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब ये आ रहा था नीचे यहाँ से यहाँ तक तो इसका नेट एक्सेशन ऊपर था जी और ये रुक गया जब ये यहाँ रुक गया तो अब वापस से उसी रास्ते में सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा तो वापस वहां उतना ही देर में पहुंच जाएगा तो जितना टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डेसेंट इक्वल तरीके से देखेंगे हम यहाँ पे ठीक है ना तो फाइनल मेरा जो आंसर आ जाएगा चार सेकंड यहाँ पे आ जाएगा तो आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग